हेलो दोस्तों, दिस इज अंशुल फ्रॉम एसक्यूएल अपडेट्स। और आपकी बहुत सारी क्वेरीज थी और हर जगह क्वेरीज तो मिल ही रही है आप लोगों की ऑलरेडी। तो हम लोगों ने ट्राई किया कि आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए जो एक एफईक्यू निकाला गया है एसक्यूएल के जरिए, उस एफईक्यू से आपकी उन क्वेरीज को सॉल्व किया जाए। एफईक्यू के अंदर टोटल 11 क्वेश्चन दिए गए, उनमें से दो क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस जो नोटिफिकेशन है उनको देखने के लिए बोलता है। जो नौ क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि इस वीडियो देखने के बाद आपकी जितनी क्वेरीज हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड वो सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी, और आपको इंडिविजुअली मैसेज नहीं करना पड़ेगा हर चीज के लिए। इसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एक्स स्टूडेंट जिसने स्किप किया, हर किसी की बात की गई है। तो आई होप कि ये वन हिट वंडर और आप लोगों को सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर वन की। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन बुक एग्जामिनेशन एंड असाइनमेंट बेस्ड इवेल्युएशन। तो भाई हम ऑलरेडी बता चुके हैं, मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, ओपन बुक एग्जामिनेशन जो है वो मात्र थर्ड ईयर के बच्चों के लिए और एक्स स्टूडेंट्स के लिए है, जबकि जो असाइनमेंट है वो फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए है, ताकि वो लोग प्रमोट हो सके, क्योंकि उनके एग्जाम नहीं लिए जाने वाले, तो इसलिए उन्हें प्रमोट करने के लिए असाइनमेंट को दिया जा रहा है। जिन असाइनमेंट की तारीख अभी ऐलान नहीं हुई है, जल्दी ऐलान हो जाएगी, और हो जाएगी तो हम लोग आपको बता देंगे, और उस तारीखों के जरिए आप लोग अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। उसमें आपको भरपूर समय मिलेगा अपने असाइनमेंट करने का और अपलोड करने का। लेकिन जो ओपन बुक एग्जामिनेशन होंगे थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए और एक्स स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों का क्या है, उनको प्रॉपर 3 घंटे मिलेंगे। उस 3 घंटे में एक फिक्स टाइम पीरियड मिलेगा, एक फिक्स डे होगा, डेट शीट के हिसाब से, डेट शीट आ चुकी है, एक्स स्टूडेंट की भी वही डेट शीट है, थर्ड ईयर वालों की भी वही डेट शीट है, ठीक है। तो वो डेट शीट देख के उस टाइम पीरियड पे आप लोग लॉगिन करेंगे और अपना एग्जाम दे पाएंगे। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका है, व्हाट अबाउट सेकंड ईयर प्रमोटेड टू थर्ड ईयर एंड थर्ड ईयर एक्स फेल्ड एसओएल स्टूडेंट। तो क्या बोला हुआ यहां पे कि सेकंड ईयर के जो बच्चे प्रमोट हुए हैं थर्ड ईयर के अंदर, ठीक है, एंड थर्ड ईयर एक्स एसओएल स्टूडेंट। तो भाई जो थर्ड ईयर के बच्चे आए हैं अभी एसओएल के अंदर, और जो थर्ड ईयर क्लियर कर चुके हैं एसओएल से, ठीक है भाई, जो थर्ड ईयर के अभी आए हैं और जो थर्ड ईयर क्लियर कर चुके हैं एसओएल से, दोनों के साथ एक ही काम होगा, वो होगा ओपन बुक एग्जामिनेशन, ठीक है। दोनों की डेटशीट एक ही है, एसओएल की वेबसाइट पे आप लोग डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं, व्हाट अबाउट फर्स्ट ईयर फेल्ड एंड सेकेंड ईयर फेल्ड स्टूडेंट ऑफ एसओएल। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर फेल किया है या सेकंड ईयर फेल किया, पूरा पूरा फेल कर दिया भाई साहब, ठीक है, सपोज 2019 के अंदर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर फेल कर दिया था, तो आप फर्स्ट ईयर दोबारा दे रहे हैं, या आपने सेकंड ईयर फेल कर दिया था, आप सेकंड ईयर दोबारा दे रहे हैं, तो आपको असाइनमेंट पे नहीं छोड़ा जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। आपको देना होगा ओपन बुक एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द डेट शीट इशूड बाय द एसओएल ऑन देयर वेबसाइट, ओके। तो अगर आप लोग फेल किए हैं, पूरा साल फेल किया है आपने, तो चाहे आपने एक तो एग्जाम दिए हैं, लेकिन ओवरऑल आप फेल हैं, तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, इस बार ही देना पड़ेगा। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन क्या, चौथा क्वेश्चन है भाई, व्हाट अबाउट एसेंशियल रिपीट इंप्रूवमेंट पेपर रिलेटेड टू पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री ऑफ थर्ड ईयर स्टूडेंट। यानी अभी आप थर्ड ईयर में हैं और आपके पहले साल का कोई बैक का पेपर रह रहा है, सेकंड ईयर का कोई बैक का पेपर रह रहा है, या आप थर्ड ईयर क्लियर कर चुके हैं, आपका थर्ड ईयर का कोई बैक का पेपर रह रहा है, तो आप क्या करेंगे भाई, वो पेपर भी आपको अभी देना है, और अगर आपने इंप्रूवमेंट भरी है तब भी आपको अभी देना है, ठीक है, क्योंकि आपका साल वेस्ट नहीं करना चाहते ना। तो भाई जो आपकी पुरानी बैच है या आपने कोई इंप्रूवमेंट का पेपर भरा है, उसे आपको अभी देना होगा, ओपन बुक टेस्ट के हिसाब से देना होगा, जो डेट शीट है उसी के हिसाब से देना होगा। जो बच्चे सोच रहे हैं कि इंप्रूवमेंट हमने भर दिया था, इंप्रूवमेंट नहीं देना चाहते, तो भाई साहब ऐसी गलती मत करना, जीरो लग जाते हैं, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट जरूर दे देना अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो, ओके। देन आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका भाई, फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट फ्रेश फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर यूजी कोर्स स्टूडेंट। तो अभी जिन्होंने नया नया ताजा तरीन एडमिशन लिया है और उनके फर्स्ट सेम के पेपर भी नहीं हुए जो दिसंबर में होने थे, देन अभी मई में सेकंड सेम के पेपर भी नहीं हुए, आपने अभी तक कोई पेपर नहीं दिया है, आप फीस भर चुके हैं, एसओएल के स्टूडेंट है 2019 में, तो आपको क्या करना है भाई, आपको असाइनमेंट देना है। अब आपको दोनों में से कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है, दोनों के असाइनमेंट अलग अलग होंगे, फर्स्ट ईयर का अलग है, सेकंड ईयर का अलग है, और असाइनमेंट देके आप सीधे सेकंड ईयर में पहुंच जाएंगे, स्वाहा। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट अबाउट फर्स्ट ईयर प्रमोटेड टू सेकंड ईयर स्टूडेंट। आप फर्स्ट ईयर में थे, प्रमोट होकर सेकंड ईयर में आ गए, यानी अभी फिलहाल सेकंड ईयर में, ठीक है, ऐसे समझिए इसे, फिलहाल आप सेकंड ईयर में, तो आपको क्या करना है भाई, अगर आप सेकंड ईयर में हो तो आपको क्या करना है, आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं, सिंपल, और कोई नहीं, आपको असाइनमेंट सबमिट करने, कोई ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं देना, ओके जी। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो दिमाग बिल्कुल जिसने खा रखा है कि क्या है कैसी है, व्हाट अबाउट फर्स्ट ईयर ईआर
ठीक है, ऑफ फर्स्ट ईयर प्रमोटेड टू सेकेंड ईयर, मैं सेकेंड ईयर में आ चुका हूं, ठीक है, अभी सेकेंड ईयर में हूं प्रेजेंटली, और फर्स्ट ईयर में मेरा ईआर का पेपर है, तो मैं क्या करूं? तो भाई अगर आपका ईआर का पेपर है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आपको ईआर के पेपर में पास नहीं करेंगे लोग, ये बात समझिए, ठीक है, क्योंकि ईआर आप एक बार आपको चांस मिल चुका है, आपकी ईआर आई थी, तो आपको इस बार सेकेंड ईयर के पेपर के साथ वो ईआर भी देना था, है ना? तो उस ईआर को क्या करेंगे, आपका सेकेंड ईयर तो प्रमोट कर रही है ये लोग असाइनमेंट के बेस पे, लेकिन उस ईआर का पेपर जो फर्स्ट ईयर में था वो आप अगले साल देंगे थर्ड ईयर के पेपर के साथ में, जब ऑफलाइन पेपर होंगे, सारी जो कंडीशन है वो फेवरेबल होगी तो आप दे पाएंगे। तो ये तो हो गया एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई, व्हाट अबाउट फर्स्ट ईयर प्रमोटेड स्टूडेंट हु हैव सबमिटेड देयर फीस फॉर सेकेंड ईयर आफ्टर अ गैप ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर। अब भाई साहब ये थोड़ा सा और जोखिम भरा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आप फर्स्ट ईयर में थे, ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया, आपने फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया, सपोज आपने 2018 में आपने फर्स्ट ईयर दिया था, आपने क्लियर कर लिया उस पेपर को, अब आपने 2019 में फॉर्म नहीं भरा, किसी भी कारणों के चलते आपने फॉर्म नहीं भरा, अब 2020 के लिए आपने फॉर्म भरा था, तो आपका क्या होगा? क्योंकि भाई साहब आप सेकंड ईयर में आ चुके हैं, आपका फर्स्ट ईयर क्लियर था पहले, सेकंड ईयर में आ चुके हैं, आपका फेलियर का सिनेरियो नहीं है, तो आप ताजा तरीन सेकंड ईयर के बच्चे हो, तो आप एक्स स्टूडेंट नहीं है, आप एक्स स्टूडेंट नहीं है, तो आपके साथ क्या होगा, आप भी प्रमोट हो चुके हो, खुशी मनाओ, आप लोगों को सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करना है और आप लोग थर्ड ईयर में चले जाएंगे, तो आपने बहुत अच्छा काम किया, अगर स्किप भी कर दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का एग्जाम नहीं होने वाला। अब जो बच्चे फेल हो गए थे, यानी मैंने सपोज 2018 में 17 में 16 में जैसे भी है मैंने फर्स्ट ईयर का पेपर दे दिया, फर्स्ट ईयर का पेपर देने के बाद अब मैंने बीच में एडमिशन नहीं लिया, एक दो साल स्किप मार दिए, अब मैंने 2020 के लिए फॉर्म भरा था कि मैं अपना भाई फर्स्ट ईयर का जो फेल है, ठीक है, उसके पेपर दे सकूं, या सेकेंड ईयर का अगर फेल है तो उसके पेपर दे सकूं, बीच में गैप दे चुकी हो आप, ठीक है, तो आप एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में आएंगे, आपको पेपर देना पड़ेगा, ओबी के हिसाब से आपका पेपर होगा, जो डेट शीट है आपकी वो सेम डेट शीट है जो थर्ड ईयर वालों की है, तो इस प्रकार से आपकी सारी क्वेरीज का समाधान यहां पर होता है। मुझे नहीं लगता इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन बनता है, अगर बनता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मेरे हिसाब से जितनी भी क्वेरीज थी फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, सेमेस्टर वाइज, ईयर गैप, एक्स स्टूडेंट, सब कुछ इन्होंने सॉल्व कर दिया है और बहुत ही अच्छे ढंग से पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में बनाई है। अगर आप लोग पीडीएफ देखना चाहते हैं तो एसएल की वेबसाइट पर चले जाइए, वहां पर दोनों पीडीएफ है इंग्लिश और हिंदी की, आप लोग वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये जो FAQ की पीडीएफ है ऑलरेडी 2-3 दिन हो चुके हैं इस पीडीएफ को आए, हमारे सारे ग्रुप में सर्कुलेट हो चुकी है, आप लोग अगर क्या नाम है फिर भी नहीं मिल रही है एसएल की वेबसाइट से, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके उस पीडीएफ को किसी बच्चे से मांग लीजिए, वो आपको दे देगा, नहीं तो प्रीवियस मैसेजेस में देख लीजिए, आपको FAQ की सीरीज जो है पीडीएफ जो है मिल जाएगी और आपकी सारी क्वेरीज का यहाँ पर समाधान हो जाता है। खुद जो SOL है वो आपकी सारी क्वेरीज का समाधान करता है, उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका SOL अपडेट ने आपको कोई भी किसी भी तरह से गलत जवाब दिया हो। ये सारी वही बातें हैं जो लोग हम पहले से कह रहे थे आपको और पहले से आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रूफ है कि SOL ने सारी बातें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। तो अब चिंता करने वाली बिल्कुल बात नहीं है, आप लोग वीडियोस को देखते रहिए और आने वाले टाइम में हम लोग थर्ड ईयर की भी एजुकेशनल कंटेंट की वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस वॉज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।